1962 में अमेजिंग फैंटेसी कॉमिक के इशू में सबसे पहले एक ऐसे टीन सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस किया गया जो सभी पर्सन का फेवरेट है, चाहे वो पर्सन सुपर हीरो मूवी का फैन हो या ना हो। और इसी बात को मैं आगे और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर क्यों एक दीवार से चिपकने वाले टीन लड़के को, जिसके पास ढेरों लाइफ की प्रॉब्लम्स है, वो आज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो में आता है। हाँ भाई, स्पाइडरमैन। ये बताऊंगा कि स्पाइडरमैन बस एक कैरेक्टर नहीं, एक इमोशन है। तो कान में ईयरफोन डाल लो और थोड़ा सा रुमाल या टिश्यू साथ में रख लो, क्योंकि वीडियो थोड़ी इमोशनल होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले स्पाइडरमैन पे इमोशनल ट्रिब्यूट बनाया है, उस वीडियो में स्पाइडरमैन के मोरल्स को विजुअली प्रेजेंट किया है, लिंक आई बटन पे मिल जाएगी। कॉमिक बुक हीरोज क्लियरली मेटाफोर्स है। कैप्टन अमेरिका पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति को सिंबलाइज करता है, सुपरमैन होप को सिंबलाइज करता है, और बैटमैन अपने पेन और फियर को चैनलाइज करना सिखाता है। स्पाइडरमैन मास्क पहनने के बाद एक पॉपुलर सुपर हीरो जरूर है, लेकिन उस मास्क के पीछे बस एक नॉर्मल आम सा लड़का है, जिसके बिगेस्ट ऑब्स्टेकल सुपर विलन्स नहीं है जिनसे वो लड़ता है, बल्कि उसके डेली लाइफ स्ट्रगल्स है, उसकी रोजमर्रा की जरूरतें हैं जिन्हें वो पूरा करने के लिए स्ट्रगल करता है। वो अपनी आंट में, जो बेसिकली पीटर की मॉम की जैसे ही है, उनके पीटर के प्रति जो आशाएं हैं, ड्रीम्स हैं, उन्हें एक्सपेक्टेशन है, उन्हें वो पूरा करना चाहते हैं, जैसे हम सब अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को पूरा करना चाहते हैं। स्पाइडरमैन हम सबको रिप्रेजेंट करता है, उसके सारे प्रॉब्लम्स अपने लगते हैं, और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि स्पाइडरमैन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और आइकॉनिक है। हम सब ने आज तक लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम फेस की है, हम सब ने लाइफ में किसी ना किसी को खोया है। पीटर की तरह हम भी बहुत हर्ट हुए हैं, अंदर से ब्रोकन होते हैं, पर फिर भी वो सब हम खुद तक ही सीमित रखते हैं। एक एवरेज व्यूअर या रीडर स्पाइडरमैन की प्रॉब्लम्स को देख के कहेगा कि ये मेरे साथ भी हुआ है, आई नो हाउ इट फील्स। स्पाइडरमैन ना ही रिच है, ना ही वो प्लेबॉय है, ना ही वो किसी दूसरे प्लैनेट से आया हुआ एलियन है। ही इज जस्ट अ डॉर्क एंड नॉर्मल किड जिसके लाइफ में प्रॉब्लम है, फिर भी वो लोगों की मदद करना चाहता है, और हो ना हो अंदर से हम सब यही चाहते हैं। असल ज़िंदगी में हम भी मिस्टेक करते हैं, पीटर की तरह हमारे लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स है, लेकिन स्पाइडरमैन उन्हीं प्रॉब्लम से जूझ के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है। टू मी स्पाइडरमैन इज नॉट जस्ट एनी कॉमिक बुक कैरेक्टर, ही इज एन इमोशन जिसे हम सब रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही ऑसम वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। Well, I think Spider-Man may be perhaps one of the most realistic of all the heroes, because when I originally planned him, I wanted him to have problems. The one thing that my publisher felt no hero should have, but... Rent? You know, he never had enough money. I can't take that. Yes, you can. For God's sake, it's not much. Now take it. Trouble with girls. She's the girl on your computer. Yeah, he's got you on his computer. I think the average reader can empathize with him and could say, gee, yeah, that happened to me. Sure, I know how he feels. He's just a kid. Get back. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Oh my God. Hey, stay back. Stay That's back. My uncle. Uncle Ben. Uncle Ben. Uncle Ben. Over here, Uncle. Call an ambulance. Someone call an ambulance. I believe there's a hero in all of us that keeps us honest, gives us strength, makes us noble, even though sometimes we have to be steady and give up the thing we want the most. Even our greed. Stay with me. Please! Kids like him, we need a hero. Courageous, self-sacrificing people, setting examples for all of us. Hey, Spider-Man. Everybody loves a hero. People line up for him, cheer, scream their names. Spider-Man! Years later, they'll tell how they stood in the rain for hours just to get a glimpse of the one who taught him to hold on. Hang on! With great power comes great responsibility.
This is my gift. My curse. Thank you.